मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट में जो वेस्टेज का ट्रीटमेंट होता है। वेस्टेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो चीज देखी जाएगी। वेस्टेज नॉर्मली वेस्टेज टू टाइप का होता है। नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज। वेस्टेज होता क्या है, किसी भी कारण से अगर सामग्री को, मटेरियल को कोई नुकसान पहुंचता है, मटेरियल कम होता है तो वो वेस्टेज कहलाएगा। दो प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होता है, अगर वेस्टेज है नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, ये कंपनी की नॉर्मल प्रथा होती है कि जब कोई भी काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो स्क्रैप निकलता ही है, कुछ ना कुछ तो रद्दी निकलता ही है, थोड़ा बहुत तो खराब होता ही है। सपोज वो क्वांटिटी यूज़ में ली है अपन ने मटेरियल की, उसमें से दो क्वांटिटी तो खराब होती ही है। ये प्रथा चली आ रही है कि थोड़ा बहुत तो खराब होता ही है, माल मटेरियल में मशीनरी में रह जाता है, थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, तो वो नॉर्मल वेस्टेज कहलाता है। जिसका बिजनेसमैन को पता रहता है कि जब आप 100 क्वांटिटी यूज़ लेते हो तो आपको आउटपुट 95 मिलता है, 5 का नॉर्मल वेस्टेज होता ही है, वो तो नॉर्मल वेस्टेज कहलाता जो बिजनेसमैन के नॉलेज में है। ठीक है, एबनॉर्मल वेस्टेज जो असाधारण कारणों की वजह से हो जाता है, जिसके बारे में बिजनेसमैन को कोई नॉलेज नहीं रहती है, बाढ़, भूकंप, एक्सीडेंट, ठीक है, ये सब क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज। जिसका कॉस्टिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डायरेक्टली कॉस्टिंग पी एंडल में। किधर ट्रांसफ़र कर देंगे, डायरेक्टली उसे कॉस्टिंग पी एंडल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कॉस्टिंग में स्टेटमेंट में किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ओके, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में इसे दो तरीके से ट्रीट करते हैं, अकाउंट में इसे दो तरीके से ट्रीट करते हैं, एज ए ओवरहेड, ऊपरी व्यय मानकर, और एज ए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मटेरियल, मूल्यों में वृद्धि करके। नॉर्मल वेस्टेज अगर होता है तो उसका दो ट्रीटमेंट होता है कंपनी के अकॉर्डिंग। अगर ऊपरी व्यय मानते हैं, ओवरहेड मानते हैं, तो क्या अकाउंटिंग करते हैं आपके पास में इशू के अंदर, ये तीन कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इशू में कितने कॉलम होते हैं, तीन कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो जब ओवरहेड मानते हैं तो उसे नॉर्मल इशू मान लिया जाता है। नॉर्मल इशू का मतलब जैसा आप इशू कर रहे हो उसी तरीके से इसको ट्रीट करना है। 5 टन वेस्टेज हुआ, इट मीन्स 5 टन का आपको इशू करना है, क्वांटिटी में लिखना है, सपोज रेट में लिखना है और अमाउंट में लिखना है। ये ट्रीटमेंट होएगा नॉर्मल वेस्टेज का जब ओवरहेड मान लिया जाता है। जब ओवरहेड नहीं मानते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स मानते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मटेरियल मानते हैं, तब आपको क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये तीन कॉलम जो होते हैं उसके अंदर केवल क्वांटिटी ही लिखनी है, रेट अमाउंट नहीं लिखनी है। केवल क्या लिखनी है, क्वांटिटी ही लिखनी है, रेट और अमाउंट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये दो तरीके से आप नॉर्मल वेस्टेज को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है।